जिनके फेस पे ग्लो ज़्यादा आता है तो लड़की होती है, लड़का होता है, मतलब। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। जी हां, आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूं कुछ मम्मियों के बारे में बातें, जो कि नई नई माँ बनने वाली हैं, जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया है और जो कि बहुत कन्फ्यूज़ हैं इतने सारे लोगों की बातें सुन के। ऐसा होता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, और फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, तो चीज़ें इतनी सारी दिमाग में चल रही होती हैं। बहुत सारे लोग आपको नॉर्मल काम, मतलब खाने पीने से लेके चलने फिरने, रहने उठने, हर चीज़ को लेके सलाह देते हैं। घर वाले तो ज़रूर टोक देते हैं कि ऐसे मत चलो, ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा ना करो। तो आज की वीडियो में मैं यही लेके आई हूँ कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी 5 ऐसे मिथ के बारे में जो कि हमारे घर वाले बोलते हैं और हमें लगता है ऐसा होता है, लेकिन हम बात करेंगे 5 ऐसे मिथ के बारे में और उसके पीछे की सच्चाई क्या है, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मिथ ये है कि लोग बेबी, मतलब आपके पेट का शेप देख के कहते हैं कि हम बता सकते हैं, लिंग की पहचान कर सकते हैं कि बेटा होगा कि बेटी। सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, भगवान ने जो दिया है, जो भी हमारा अंश है, वो हमारे लिए उतना ही। जो आपका पेट का जो शेप होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि जो आपका बेबी है वो आपके यूट्रस में, उसका पोजीशन क्या है, उसके पोजीशन के हिसाब से ही आपका पेट का जो शेप होता है, आपका जो बेबी बम्प होता है वो होता है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका पेट गोल है या लंबा है, कैसा निकला है, इससे हम बता सकते हैं कि लिंग कौन सा है, लड़का है या लड़की, तो ये सरासर गलत है। डॉक्टर्स इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन मिथ की मैं बात करूँ तो वो है, लोग कहते हैं ग्लो देख के हम बता सकते हैं कि लिंग कौन सा है, लड़का है या लड़की है। अक्सर जब मैं भी प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे लोग कहते थे, मैं कितनी भी तैयार हो जाऊँ ना, मेरे फेस पे उतना, मतलब फेस का ग्लो था लेकिन मेकअप उतना चमकता नहीं था। तो लोग कहते हैं जिनके फेस पे ग्लो ज़्यादा आता है तो लड़की होती है, लड़का होता है, मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सा होता है। देखिए, अगर डॉक्टर्स की बात माने, एक्सपर्ट्स की बात माने ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फेस के ग्लो को देख के ना आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। फेस का ग्लो एक्चुअली होता है ये कि आप अपना डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, आप अपने न्यूट्रिशन मिनरल्स जो हैं, आप अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रख रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, पहले हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन बेबी की वजह से हम खुद का ख्याल रखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि फेस ग्लो देख बताएंगे कि लड़का है या लड़की। थर्ड चीज़ की मैं बात करूं तो लोग कहते हैं जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, उनके बेबी को जो है उसको पोषण सही से नहीं मिल रहा है। जी नहीं, ये भी सरासर गलत है। मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस, एक्चुअली होता है क्या है, बेबी आपका ग्रो कर रहा है आपके पेट में, तो आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा थकान रहती है, तो उस चीज़ को कई बार हमारे पाती है, तो इस वजह से भी आपको मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस हो सकता है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा या उसको पोषण नहीं मिल रहा है। जी नहीं, आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी हैं। और ये जो मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, ये बहुत सारी लेडीज़ के साथ होती है, 80% औरतों के साथ ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल किसी भी मिथ में ना आएँ, किसी भी टेंशन में ना। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है प्रेगनेंसी और कॉफ़ी। जी हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आधी सही और आधी गलत है। देखिए, अगर आप कॉफ़ी 2 या 3, मैक्सिमम 3 कॉफ़ी पीते हैं, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 से ज़्यादा कॉफ़ी बिल्कुल नहीं छूना है अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी बेबी को आप डिलीवर करें और डिलीवरी के बाद आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे और ये 9 महीने आप फुल एंजॉय करना चाहते हैं, तो कॉफ़ी के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आप 2 कॉफ़ी बस डेली पी सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं।
नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में जर्नी और एक्सरसाइज नहीं करना है, ये आपको नुकसान कर सकता है। देखिए, आप अपने डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रह के जर्नी और एक्सरसाइज दोनों कर सकते हैं। आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या मैं जर्नी कर सकती हूँ। देखिए, आपकी बॉडी के बारे में और आपके बच्चे के बारे में आपके डॉक्टर को जितना पता है उतना किसी को नहीं पता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं कि आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, कितनी देर तक करनी है, कर सकते हैं कि नहीं, कौन कौन सी कर सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर के टच में रहना है, उनके हर एक इंस्ट्रक्शन को मानना है, उनकी दवाइयाँ उनके ऑब्जर्वेशन में रह के सारे काम करने हैं। इस तरीके से आप अपनी पूरी जर्नी को बहुत ही खुशनुमा जी सकते हैं। 9 महीना आपका बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा बीतेगा, प्लस आप और आपका बेबी दोनों हेल्दी रहेंगे। ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया 5 मिथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड और उसके पीछे की सच्चाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।